എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसई सुंदर राजन जी, केंद्र सरकार में संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के एसटी वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्री श्रीमती सत्यवती राठौर जी, तेलंगाना सरकार की परिवहन मंत्री श्री पी अजय कुमार जी, वनवासी कल्याण परिषद के जिला प्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, भद्राचलम मंदिर के पावन प्रांगण में आयोजित इस समाख्या सरलम्मा जनजातीय पुजारी सम्मेलन में आकर आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में तेलंगाना राज्य की मेरी ये पहली यात्रा है। सुप्रसिद्ध तेलुगु कवि दाशरथि कृष्णम आचार्यलु के शब्दों में, ना तेलंगाना कोटि रत्नाल बिना, अर्थात मेरा तेलंगाना करोड़ों रत्नों से जुड़ी हुई बीणा की तरह है। मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप सबको थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि तेलुगु में मुझे समय लगेगा सीखने के लिए, लेकिन सीखूंगी जरूर। तेलंगाना की अपनी पहली यात्रा में मुझे श्रीशैलम मंदिर में दर्शन करने का, श्री राम सीतारामचंद्र देवस्थान में आशीर्वाद लेने का तथा यहाँ समाख्या सरलम्मा जनजातीय पुजारी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही मुझे रामप्पा देवालयम के पवित्र परिसर में दर्शन करने का और तीर्थयात्रियों के लिए विकसित की गई सुविधाओं का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और बाद में यात्रा दी की यहाँ स्थित लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर भी मुझे मिला। ऐसे पावन अवसर का मिलना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। इन देवस्थानों और मंदिरों में मुझे सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। इन अवसरों को प्रदान करने के लिए मैं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरम राजे जी, मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, केंद्र सरकार के संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री के किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार की पूरी टीम और तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थस्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थस्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। इसलिए प्रसाद योजना को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री किशन रेड्डी जी और उनकी पूरी टीम को विशेष सराहना करती हूँ।
देवियों और सज्जनों, लोक परंपरा के अनुसार श्री सीतारामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम राम कथा से संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान कुछ समय इसी क्षेत्र में स्थित एक पर्णशाला में बिताया था। ऐसी जानकारी के देश के सभी क्षेत्र में और विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए लोग रुचि बढ़ती है। देवियों और सज्जनों, वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना द्वारा इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि ये परिषद वनवासी समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिषद की मुख्य चिंता है कि सांस्कृतिक परंपराओं के कमजोर होने पर हमारी मूल पहचान का अंत हो सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपनी समृद्ध संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों की जीवंत बनाए रखना अनिवार्य है। इससे हमारी विरासत का संरक्षण भी होता है। जनजातीय समाज विशेष रूप से कया समुदाय के लाखों भाई बहन समाख्या सललम्मा की पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ के जनजातीय समाज का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरा मानना है कि ऐसे पर्व और सम्मेलन हमारी सामाजिक समरसता को मजबूत बनाते हैं। इन गतिविधियों से हमारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। एक खुशी की बात है कि परिषद इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं परिषद को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वनवासी कल्याण परिषद द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और पंचायत विकास से जुड़ी जागरूकता के बारे में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि परिषद द्वारा अनेक एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। परिषद द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रयास करने के लिए कई छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, प्रगति के सभी आयामों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास के लिए जरूरी है। ये प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए परिषद द्वारा विकास केंद्र भी चलाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ग्राम विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए परिषद द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिविर आयोजन किए जाते हैं। ये भी खुशी की बात है कि परिषद एकलव्य क्रीड़ा केंद्र के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखार रहे हैं। मैं ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए परिषद को सराहना करती हूँ। देवियों और सज्जनों, केंद्र सरकार की एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल परियोजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वंचित और पिछले वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनेक स्कूलों की स्थापना कार्य सराहनीय है। मुझे अन्य राज्यों में भी एकलव्य मॉडल स्कूल के शिलान्यास और उद्घाटन का अवसर मिला है। ये खुशी की बात है कि ये सभी स्कूल भारत की भावी पीढ़ी के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। एकलव्य मॉडल स्कूल की इस दूरदर्शी योजना को आगे बढ़ाए रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इन विद्यालयों से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूँ। मैं इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के सुखद भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। मैं देख रही हूँ टीवी पे, वहाँ कोई दूसरे केंद्र में शायद उनके हॉस्टल में बच्चे बैठे हैं। मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे इस प्रोग्राम को पूरा डायरेक्ट देख रहे हैं और
इसीलिए ये मैडम मंत्री जो बच्चों के लिए ये व्यवस्था किए हैं और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे भी डायरेक्ट इस टेलीकास्ट को ये देख रहे हैं और हम लोगों के साथ और जुड़े हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। बच्चों के लिए भी मैं 200 बोलना चाहती हूँ, दूर से भी सही लेकिन हम लोगों के साथ और जुड़े हैं। बच्चे मुझे लगता है ये सभी भाषा जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ के तेलुगु थोड़ा बहुत समझ में। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जो ट्रेवल बच्चे जिन परिवार से आते हैं, पिता माता उनके लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं। मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि बिना कोई समय गंवाते हुए अपने पढ़ाई जारी रखें। सरकार उनके साथ है, वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से खुद तो सशक्त बनेंगे ही, उनके परिवार तो सशक्त बनेगा ही, समाज सशक्त बनेगा, साथ ही साथ देश आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेंगे, कभी कभी समाज के तरफ भी उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि समाज, जिन समाज से वो आए हैं, समाज को आगे उठाना केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, समाज के प्रत्येक जनता का काम है। छात्र छात्र जो आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसे भी कोई भी परिस्थिति में कोई भी उनको जॉब मिले पर कोई भी आर्थिक व्यवस्था का ये रास्ता चुने पीछे के तरफ मुड़ के देखना उनका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो लोग हैं एक दिन उन्हीं ही उनके सहारे थे। उनको आगे बढ़ाना छात्र छात्री का, समाज का काम है। अंत में तेलंगाना राज्य के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य हेतु शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।